सीएफआई बना ले आजे। बच्चियों को उनका पैसा था तूने उसको। बस कर दो, बस कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमवाईके न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान की सियासत कहां जा रही है किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं 8 साल बच्ची और इन्होंने हमारी पाकिस्तानी सियासत को पंजाबी टप्पों में इस तरह से बयान किया है कि बड़े बड़े तजिया गार जो है ना वो पीछे हो जाए, वो रो पड़े, वो हंस पड़े। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो? ठीक हूँ। मुझे बताओ, 8 साल के अभी हो आप, छोटे से हो, आपके खेलने कूदने के दिन है, आप कहाँ सियासत में पड़ गए हो? बताओ क्या लिखा है आपने सबसे पहले? सबसे पहले मैंने चोरों पर टप्पा लिखा है, मैं आपको अभी सुनाती हूँ। कोई पापा लिख के भी देते हैं आपको? जी। जबरदस्त। मुझे बता कौन सी क्लास में हो? मैं वन। वन क्लास में हो और इतना जबरदस्त लिखते भी हो और खुद गाती भी है, जबरदस्त। डर नहीं लगता है आपको? डर किस बात का? किसी भी बात का डर हो सकता है कि मतलब आवाज इतनी ऊपर चली गई तो फिर लोग गाने के लिए बुला लेंगे आपको, इस बात का डर? और किस बात का डर? कोई डर नहीं है, आप सुने। मुझे बताओ आपको पाकिस्तानी सियासत का शौक है? ये सब जो चोर है ना, अरे नहीं भाई, ये चले जाए ना, हाँ, तो फिर इनके आगे मैं हाथ जोड़ती हूँ कि ये चले जाए प्लीज। हमें हमारे मुल्क से मतलब इतना प्यार है कि हम अपने मुल्क से इतना प्यार करते हैं, हम 14 अगस्त भी मनाते हैं, हाँ। बस इन चोरों को हमारे मुल्क से भेज दें। हाँ, मुझे माइक दे दिया, मैंने इनको माफ नहीं करना। अब ये सुने आप टप्पा जरा, आपको बहुत हंसी आएगी। देखो, मरियम ने कहा था कि उनकी ये सर्जरी पाकिस्तान में नहीं हो सकती, इसलिए वो वहां पे गई थी, सर्जरी करवाई और वापस आ गई। कोई बात नहीं, ऐसा ही हुआ। हाँ जी, ऐसा ही हुआ। अच्छा, ये ज्यादा अच्छा टप्पा पड़ती है मुझे, ज्यादा अच्छा। हंसी से याद आया जरा। हाँ जी, मुझे सब कोई एक बंदा जिसका आपको ना पता हो? सारे ही ऐसे हैं। सारे ही ऐसे हैं। और आप कैसे हो?
मैं अच्छे। अच्छा आपको ना बड़ा सियासी पता है, तो मैं हमारे जो कुछ अजीम लीडर्स हैं उनका नाम लूंगी, तो आपने उनको एक वर्ड में डिस्क्राइब करना। रेडी हो आप? जी रेडी हूँ। सबसे पहले नवाज शरीफ। नवाज शरीफ हम लीडर बनना छोड़ दे, ओ ऐ हाथ जुड़े देख लो। मरियम नवाज। सर्जरी तो फारिग हो जाओ मरियम नवाज, कदे ते कदे तुसी बुढ़ा ही होना है। बिलावल भुट्टो। पहले बोलना तो सीख लो। पता है उनको उर्दू आती है? कभी कभी आती है उनको उर्दू? नहीं कभी कभी नहीं आती, लेकिन उल्टी बोल देते हैं। शहबाज शरीफ साहब। आपसे नहीं होना शहबाज शरीफ साहब, आपसे नहीं होना कभी भी। ऐसे ऐसे करते हैं ना, ऐसे उनकी नकल बना रही है। बहन मेरा माइक तो दे दो मुझे। समझ नहीं आ रही है कि 8 साल की हो, स्कूल जाते हो, ये लिखते हो, प्रैक्टिस करते हो, क्या करते हो? पहले स्कूल से वापस आती हूँ। हाँ। फिर खाना खाती हूँ। खाना खा के 2 बजे स्पारा पढ़ने जाती हूँ। हाँ। स्पारा पढ़ के वापस आती हूँ। फिर 4 बजे ट्यूशन जाती हूँ। ट्यूशन से वापस आके फिर टप्पे लिखती हूँ थोड़े से, फिर पापा लिखते हैं, फिर सो जाती हूँ। फिर सुबह फिर नाश्ता करती हूँ, मतलब खाना खाती हूँ, फिर सुबह उठती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ। ऐसे ही चलता है। सियासी जो होती है। अरे मुझे बताओ कैसे लिखते हो आप इतने जबरदस्त किस्म के टप्पे? आपको नहीं पता मैं पेन से लिखती हूँ। सॉरी बहन मुझे पता चल गया पेन से लिखते हो। याद फिर कैसे कर लेते हो जुबानी, और याद कैसे रहते हैं आपको कि ये वो वाला टप्पा है? मैं अपना रजिस्टर रखती हूँ ना, रजिस्टर से देख के याद करती हूँ। बस कर दो, बस कर दो, बहुत हो गया। अब जो है ना हालात वो मेरे हाथों से निकल चुके हुए हैं। इसके ज्यादा अगर मैंने माइक दिया ना, तो माइक और मैं दोनों खत्म। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो छोटी सी बच्ची के छोटे छोटे टप्पे थे वो आपको पसंद आए होंगे। चैनल पे नए तो जल्दी से कर दे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।